नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। तो क्या ये तमाम अपडेट रहेगी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कर्मचारियों से जुड़ी क्या ये बड़ी खबर है। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन, कर्मचारियों पर पानी की बौछार, विधानसभा के गेट पर लगाया ताला, स्थिति तनावपूर्ण। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने शिमला पहुंचे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी विधानसभा के गेट तक पहुंच गए हैं। विधानसभा के गेट पर ताला लगा दिया गया है। वहीं अब स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें 103 टनल के पास रोकने के लिए पानी की बौछार की, लेकिन कर्मचारी आगे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कर्मचारियों पर बौछार हो रही है। तो आगे बात करेंगे। इससे पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर 103 टनल के पास इन्हें रोक लिया था। कर्मचारी सड़क पर बैठ गए। सर्कुलर रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। ट्रैफिक को टूटीकंडी बाईपास से डाइवर्ट किया गया है। सुबह 10 बजे कर्मचारी टूटीकंडी क्रॉसिंग में एकत्रित हुए और घेराव की रणनीति बनाई। कर्मचारी परंपरागत लोक वाद्य यंत्रों और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री आज शाम को मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें आम सहमति बनाने पर प्रयास किया जाएगा। तो यही थी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए शिमला पहुंचे हैं। वह इनकी मांगों को मानने के लिए आज मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। तो इस बैठक में जो है इनकी जो मांगें होंगी, इन पर सहमति बनाने पर प्रयास किया जाएगा। तो यही थी बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।